और आज की पांच टॉप कॉल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये पांच खबरें कमोडिटी मार्केट की, और जिसके आधार पर आगे आपको मार्केट की चाल का अंदाजा और बेहतर तरीके से लग पाएगा। पहली खबर यह है कि सोने और चांदी में बाइंग लौट आई है। 37,900 ये इसके करीब गोल्ड पहुंच चुका है, 120 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। चांदी का भाव 47,300 रुपए के ऊपर है और रुपए की मजबूती कम होने से सोने चांदी को ये फायदा मिला है। और कॉमेक्स पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव एक बार फिर से $1,500 प्रति औंस के ऊपर चला गया है और चांदी का भाव $18 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट बड़ी उठापटक के साथ ट्रेड कर रहा है। आज क्रूड में ट्रेड ब्रेंट का भाव 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 0.25% नीचे है। WTI क्रूड $55 प्रति बैरल के नीचे है और ग्लोबल मांग घटने की चिंता कीमतों पर हावी हो गई है। ओपेक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा है कि 2020 में कच्चे तेल की डिमांड रोजाना करीब करीब 80,000 बैरल कम होगी। डिमांड कम होगी, सप्लाई को लेकर कोई बड़ी दिक्कत है नहीं और इसीलिए क्रूड का मार्केट बहुत ज़्यादा अभी एक्शन के मूड में है नहीं, बिल्कुल रेंज का ट्रेड हो रहा है। 3900 के आसपास मार्केट में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मेटल की, तो मेटल में निकेल का भाव नीचे आया है, प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 2% लुढ़का है। वायदा में भाव 1235 के नीचे है और चीन में लगातार 14वें महीने गाड़ियों की बिक्री घटी है। अगस्त में चीन की गाड़ियों की बिक्री करीब करीब 7% घटी है। तो ऑटो में जो मंदी की बात हो रही है सिर्फ भारत में नहीं है, चीन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं ऑटो सेल्स को लेकर के। और चीन के जो कमज़ोर आंकड़े हैं उससे कहीं ना कहीं मेटल मार्केट पर भी दबाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार वायदा में तेज़ गिरावट आ गई है और 153 रुपये नीचे है। ग्वारगम का वायदा 8,000 के करीब पहुँच चुका है, ज़ोरदार गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है, बिकवाली बढ़ गई है। इसके अलावा मसालों की बात करें तो आज वहाँ पर भी बिकवाली है। हल्दी अक्टूबर का वायदा 2% लुढ़का है, जीरा 1%, धनिया करीब 0.5% गिरा है। उत्पादक क्षेत्रों से पर्याप्त आवक से कीमतों पर दबाव है, अगले सीजन में बेहतर उत्पादन का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आगे मार्केट तेज़ी पर कितना भरोसा किया जाए। गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से कल के शाम के सेशन में भी हमने कुछ ऐसा ही तेज़ी देखा था गोल्ड में, जहाँ पर गोल्ड अराउंड 38,100 के ऊपर चला गया और उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखा था। ECB का जो मॉनेटरी ईजिंग है उसके चलते थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखा था हमने, लेकिन आई थिंक ये तेज़ी जो है ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सस्टेन करेगी, क्योंकि ऊपर के लेवल पर हम फिर से इसमें एक सप्लाई आते हुए देख रहे हैं। US चाइना जो ट्रेड वॉर है उसे वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लाइक फेड आउट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फिर से अक्टूबर में इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो आई थिंक वो एक नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए और उसके चलते हमें लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इनिशियली 1480-1470 तक आ सकता है, जो कि अभी अराउंड 1500 के आसपास चल रहा है। और अगर MCX की बात करें तो MCX में भी आई थिंक यहाँ से अराउंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक बार 37,000 तक प्राइसेस गिर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो अगर उछाल आता है टुवर्ड्स 38,000, एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 37,700 तक प्राइसेस फिर से नीचे आ सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 38,100-150 का रखना चाहिए। ठीक है, चांदी पर क्या कमेंट है आपका? क्या सिल्वर का मार्केट भी अभी गोल्ड को ही फॉलो करेगा और चांदी में भी आप दबाव देख रहे हैं, कमजोरी देख रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, अगर चांदी की बात करें तो चांदी में एक अच्छा खासा टेक्निकल पैटर्न है। 47,200 का एक डबल बॉटम था, उसे ब्रीच कर चुका है प्राइजेस। अभी हो सकता है कि एक उछाला आए इसमें टुवर्ड्स 47,300-47,500 तक, वो एक अच्छा लेवल होगा सेलिंग करने के लिए। 47,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 46,800-900 का है। लेकिन जैसे आपने बताया कि गोल्ड को यस फॉलो करेगा, लेकिन जो इसमें फॉल है वो उतना नहीं होगा जितना कि गोल्ड में होगा। 1775 इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम, उसके नीचे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्रूड पर क्या कमेंट होगा? क्रूड का मार्केट बहुत ही उठापटक के दौर से गुजर रहा है, आज एक बार फिर से नीचे है कच्चा तेल, डिमांड घटने की बात आ रही है, क्या अभी और नीचे आने की संभावना आपको दिख रही है?
वेल मृत्युंजय, डिमांड घटने की तो काफ़ी टाइम से इसकी बात चल रही है। जो मेजर अभी एक्शन हुआ है क्रूड में, जो हमने फॉल देखा है अचानक से ऑन थर्सडे, सिंस थर्सडे, मेरे हिसाब से जो ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाने की जो बात चल रही है, आई थिंक वो एक डैम्पनिंग फैक्टर है क्रूड बुल्स के लिए। उसके चलते ही हमने इसमें एक फॉल देखा है। अदरवाइज दूसरे फैक्टर्स तो ऑलरेडी है, जैसे कि ईआईए ने क्रूड का जो सप्लाई है उसे बढ़ाया है और उसका जो प्रेडिक्शन है उसको बढ़ाया है, और डिमांड जैसे आपने बताया कि डिमांड कंसर्न्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा फंडामेंटल बेरिश साइड में है, और जो ईरान का सैंक्शन हटाने का जो न्यूज़ है वो अगेन एक नेगेटिव फैक्टर है। सो मेरे हिसाब से क्रूड में एक दायरा रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 54-55 डॉलर्स WTI, ऊपर के लेवल पर 60 का एक कैप होगा, और अगर MCX की बात करें तो 3820-800 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो निकल जाता है तो फिर इसमें एक स्टीप फॉल आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक 3820 से लेके 4100 तक का रेंज रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम राइस पर बेच सकते हैं, 3840 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, निकल में क्या आपको लगता है कि अभी गिरावट और बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि चीन में डिमांड घटने की आशंका है, वहाँ पर गाड़ियों की बिक्री लगातार कम हो रही है और लगातार 14वें महीने जो ऑटो सेल्स हैं वहाँ पर घटे हैं, तो क्या गिरावट बढ़ने वाली है निकल में? लग तो ऐसे ही रहा है मृत्युंजय, लेकिन अगर हम जो LME कैश और 3 मंथ का जो प्रीमियम देखें तो उसमें आई थिंक बैकवर्डेशन में अगर बैकवर्डेशन चेक करें तो काफ़ी हाई लेवल्स पर है अभी। सो वो तो इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर प्राइस मूव्स देखें तो मेरे हिसाब से एक फॉल टूवर्ड्स 1200 तक आना चाहिए निकल में। 1205 इज़ वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग, और आज का जो इन्वेंट्री लेवल है वो काफ़ी बढ़ के आया है, तो LME इन्वेंट्री, तो उस वजह से निकल में हमने एक शार्प करेक्शन देखा है। मुझे लगता है कि शाम के सेशन में भी ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। 1240-42 एक अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए। 1250-52 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें नीचे एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 1205 का होगा। ठीक है, CPO के ऊपर क्या व्यू होगा आपका, क्रूड पाम तेल में क्या किया जाए? वेल CPO का अगर हम प्राइस मूव देखें तो काफ़ी साइडवेज जोन में है, 550 से लेके 560 के रेंज में, इनफैक्ट 565 के रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, और आज ऐसे लग रहा है कि एक बार ये ब्रीच कर सकता है 550 और 548 तक आ सकता है। सो प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि एक बार 553-554 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं 548 का टारगेट के लिए, और ऊपर में हम 556 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है आलिम का शिकारपुर से, पूछिए आलिम। हेलो सर, मेरा सवाल सिल्वर पर है, मैंने 47,100 रुपए में सेल किए है सिल्वर। 47,100 रुपए चाहिए मुझे, निकल जाने चाहिए या बने? 47,100 पर सेल है आपका? 47,047। अच्छा 47, क्या किया जाए? सिल्वर में अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव ही है, 47,700-800 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप उसका एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 47,500-550 के आसपास फिर से एक बार एवरेज कर सकते हैं, और 46,900-800 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा आपकी MCX पर चांदी में 192 रुपये ऊपर MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है, 47,320 ये चांदी का ताज़ा लेवल है अभी। रविंद्र, एग्री मार्केट में करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट का ट्रेड बचा है, कुछ है क्या कुछ आपकी नज़र में कि ऐसा कोई काउंटर जहां पर ट्रेड कर सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से एक बार सोयाबीन में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लग रहा है अगर डिप आता है तो, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कहा है कि वो सोयाबीन एक ऐसा कमोडिटी होगा जिसको वो एग्जम्पशन में रखेंगे टैरिफ का। सो आई थिंक सोयाबीन में एक पॉजिटिव मूव आ सकता है। अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स से 3600 के आसपास, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 3750-3760 तक फिर से एक 2-3 दिन में आ सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है कि आप कह रहे हैं कि सोयाबीन में थोड़ी बहुत तेज़ी अभी बढ़ सकती है, लेकिन इसके अलावा मेटल में निकल पे आपने बताया कि अभी बेच कर चलें,
कॉपर और लेड, ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं? वेल, कॉपर में मृत्युंजय एक काफ़ी टाइट रेंज है. कल भी हमने देखा कि 455, 456 जाने के बाद फिर से हमने एक अच्छा फॉल देखा इसमें. 446.50 के आसपास प्राइसेस आए थे शाम के सेशन में, उसके बाद फिर से रिकवरी देखी. ये सब कुछ जो है वो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसके जो आउटकम्स है, जो उनके डिस्कशंस हो रहे हैं उसके ऊपर हो रहा है. सो आई थिंक कॉपर में एक दायरा रहेगा. 455, 456 का एक अच्छा ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि 460 तक आए. सो कॉपर में रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर 455, 56 के ऊपर अगर सस्टेन किया प्राइसेस तो एक बार 452 का स्टॉप लॉस रख के 460 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं. उसके अलावा जिंक में भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लगता है. जब तक 185 होल्ड है तब तक हो सकता है कि एक बार 188 तक प्राइसेस आए, उसमें भी एक बार बाय किया जा सकता है. ओके, अगला सवाल है सचिन का, दिल्ली से हैं, जुड़े हैं हमारे साथ. पूछिए सचिन. सर, मेरे 37,950 पर 5 डॉट गोल्ड के बाई पड़े हैं. और गोल्ड के बाई पड़े हैं आपके? जी सर. और इंटरडे में सर क्या स्टॉप लॉस टारगेट लगाया जाए सर? वेल, आई थिंक गोल्ड में आपका ज़्यादा ऊपर का लेवल नहीं है. एक बार 38,100 के आसपास अगर प्राइस आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक पॉसिबल है कि ये कंसोलिडेट करे 37,100 से लेके 37,600 के रेंज में. तो अगर ये 38,000 से 38,100 के आसपास आता है तो एक बार इसमें से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है. इंटरनेशनल में हो सकता है कि एक बार 1480 के प्राइसेस के पास प्राइसेस आए. सो अगर आपको एक 50 से 100 रुपए का भी प्रॉफिट मिलता है तो बेटर टू एग्जिट. 37,600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर ये 37,300-350 तक जा सकता है. ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ इंदौर से, पूछिए मनोज. सर, मेरा सवाल चने पर. सर, चने का बाजार रोजाना टूटता चल रहा है, कि दिवाली तक क्या लेवल दिखेगा इसमें? दिवाली तक चने में क्या लेवल दिखेगा? देखिए, चने में मेरे हिसाब से 3,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है. आई थिंक एक बार आया तो भी इट माइट फॉल टिल 3,930-920 के आसपास. उसके बाद हो सकता है कि चने में 4,150 से 200 तक के प्राइसेस भी दिखे हमें. सो अगर ये यहाँ से 50-60 रुपए नीचे आता है तो एक बार 3,900 का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं. हो सकता है कि एक दो महीने में इसमें 150-200 रुपीस का तेजी आए. ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ मुंबई से, पूछिए अंकित. मुझे जानना था कि गोल्ड और सिल्वर में अभी शॉर्ट ट्रेड लेना बेटर रहेगा या लॉन्ग ट्रेड? गोल्ड और सिल्वर में अभी शॉर्ट ट्रेड लेना ठीक रहेगा या लॉन्ग ट्रेड, इसी भाव पर क्या कहें? वेल, मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रेड बेटर है. यहाँ पे अगर आप लेते हो तो फिर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, क्योंकि टारगेट जो है वो 37,650-700 के आसपास है. अगर यहाँ से एक 100-150 रुपये अगर राइस आता है तो एक अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए. टारगेट हम ले रहे हैं अराउंड 37,600 का. हो सकता है कि अगर आज नहीं आए तो नेक्स्ट वीक में ज़रूर ये टारगेट आ सकता है. सो एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. इवन सिल्वर में 47,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो होल्ड है तब तक एक बार सिल्वर में भी बिकवाली कर सकते हैं. 46,800 तक के प्राइसेस पॉसिबल है. राजेश हैं हमारे साथ नोएडा से, पूछिए राजेश. हेलो जी, पूछें. हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, पूछिए. ये मेरे को ये पूछना है, मेरे को मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए? दिवाली तक मेरे को क्या रेट देखने को मिल जाएगा? दिवाली तक मेंथा का क्या रेट दिखेगा? वेल, मेंथा में मेरे हिसाब से एक रेंज रहेगा. ऊपर में जो है वो 1380 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है मेंथा. और नीचे में अगर देखें तो नीचे में अराउंड 1200-1220 का एक सपोर्ट है. तो अगर 2-3 महीने का व्यू ले तो आई थिंक ये ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा. अगर 1340-1350 तक आता है तो एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और अगर 1250-1240 तक आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं. ठीक है, रवि जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से, पूछिए रवि. सर, मेरे पास अपना गोल्ड बाय करा हुआ है. किस भाव पर? सिल्वर बाय करा हुआ है मेरे पास 48,600 पर. सिल्वर आपने बाय किया है, अभी दाम नीचे आ गए हैं जी. okay. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं आपसे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 46,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए.
अगर आप थोड़ा सा इसे होल्ड कर सकते हो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो 46,800 46,700 के आसपास अगर प्राइस आते हैं तो एक बार आप एवरेजिंग कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भले ही थोड़ा सा करेक्टिव है। सो 46,800 के आसपास आता है तो एक बार एवरेज कीजिए। अगर आपको बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड करना है तो 46,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में अभी कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। वेलकम रितिन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।